नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ति करने वाला दो उपाय बताऊंगा। दोनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय अवश्य करके देखना, आपकी किस्मत बदल लेंगे। मित्रों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, प्राचीन से प्राचीन वह हर जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो की आम जन तक पहुँचाए नहीं गए हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताने जा रहा हूँ, जो सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपकी बिल्कुल ही भाग्य बदल देंगे। 3 से 4 मिनट का वीडियो बनने वाले हैं, अपने फायदे के लिए वीडियो को जरूर देखना। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको एक सूखा नारियल लेना है। हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको सूखा नारियल लेना है और जैसे कि इसमें छेद बना है, ठीक इसी प्रकार से आपको छेद कर लेना है, जैसे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हाँ, किंतु नारियल सूखा होना चाहिए, गीला हुआ कच्चा नारियल आपको नहीं लेना है और छेद ज्यादा नहीं करना है, छेद उतने करना है जिसमें आपको भोजपत्र लिख करके डालते बन जाए। भोजपत्र या कागज या भोजपत्र में आपको अपनी इच्छा लिखना है, जो भी आप इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान से इच्छा मांगना चाहते हैं, वह इच्छा आपको लिखना है और इसमें आपको अंदर में जो ये कागज में लिख करके नारियल में आपको डाल देना है। इसके बाद इसे आटे से आपको पैक करना है। जी मित्रों, इसे आपको आटे से पैक करना है। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध दे और किसी भी देवी देवता के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। इस उपाय से 7 दिनों के भीतर में आप भी जिस भी इच्छा की कामना करते हैं, जिस भी इच्छा को भगवान से मांगते हैं, वह इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। खासकर अगर आप इसे माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो इससे धन की बारिश होने लगते हैं, घर परिवार अन्न धन से भर जाते हैं। शनि देव के अगर आप जो मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं तो रोग मुक्त हो जाते हैं, घर में बुरी दशा लगे, बुरी जो किसी ने कुदृष्टि डाल दे, वो सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हर मंदिर में दान पेटी होता है, हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्म में दान पेटी होता है। किसी भी मंदिर में जाइए जहाँ पे दान पेटी हो, वहाँ पे आप कागज से अपनी इच्छा लिख लीजिए या भोजपत्र में, एक ही आपको इच्छा लिखना है और यह प्रयोग पूरे जीवन में एक ही बार करना है। जो भी इच्छा कर्जे से मुक्ति पाना चाहते तो कर्जे से मुक्ति लिख लीजिए, जो भी इच्छा वह इच्छा लिख लीजिए और दान पेटी में आपको डाल देना है। ध्यान दीजिए, आपको कोई देख ना रहे हो, इस प्रकार से आपको जो है दान पेटी में डालना है। पैसे के साथ में भी आप जो लपेट करके दान पेटी में डाल सकते हैं। इस उपाय से भी 7 दिनों के भीतर में इच्छा पूर्ण होती है। तो दोनों उपाय में से कोई भी आप एक उपाय करके अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।